अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैट जीपीटी के बारे में बताने वाला हूँ। ये एक एप्लीकेशन भी है और एक वेबसाइट भी है, ठीक है। चैट जीपीटी को आप बहुत से पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इससे अर्निंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जितने भी आपके माइंड में चैट जीपीटी वेबसाइट एप्लीकेशन के बारे में जितनी भी आपकी क्वेश्चंस है, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं उसको सारे क्वेश्चंस को हल करूंगा, ठीक है। मैं ख़ुद भी चैट जीपीटी एप्लीकेशन को अपने बहुत सारे काम के लिए इस्तेमाल करता हूं, लेकिन आज मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस पर काम कर सकते हैं, इससे कमाई कर सकते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी वेबसाइट पर लॉगिन होने के लिए सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर आपने चैट जीपीटी सर्च कर लेना है। चैट जीपीटी ये आपने सर्च कर लेना है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे, बिल्कुल टॉप पे जो एप्लीकेशन आपको नज़र आ रही है, जो वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर रीडायरेक्ट करेगा, और मेरे पास ये ऑलरेडी मौजूद हैं तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसका व्यू कैसा है। यहाँ पर ही आपके कनेक्शन को चेक करेगा। एक बात आपने लाजमी से अपने माइंड में रखनी है, अगर आपके मोबाइल का टाइम जो है वो सही नहीं है और डेट सही नहीं है तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने अपने मोबाइल में सही रखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चैट जीपीटी का जो है वो मेन डैशबोर्ड है, जहाँ पर आप कुछ भी इससे हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपके पास ये ऐसा नहीं आएगा। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो इस वेबसाइट पे आने के बाद आपने बिल्कुल एंड पे जाना है, ठीक है। बिल्कुल एंड पे आप लोगों ने आपने इसमें लॉगिन कैसे होना है, बिल्कुल एंड पे आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाना है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे बिल्कुल लॉगिन का ऑप्शन है, बिल्कुल नीचे ये जो छोटा छोटा लिखा है इसमें आपने देखना है लॉगिन। यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है, मैं इस लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, सेम ही आपने भी इसी तरीके से करना है। तो ये थोड़ा सा अब यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल, अगर आप लोगों का गूगल का अकाउंट है तो आप गूगल से इसको डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका गूगल का अकाउंट नहीं तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। तो मैं कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ। आप लोगों ने इस तरीके से करना है। मेरे जिस आईडी पे ये बना हुआ है उस पे मैं नहीं करता, मैं ये दूसरे वाले पे कर देता हूँ। इस पे मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये मुझे रीडायरेक्ट करता है इस वाले पेज पे। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, तो मैं नाम लिख देता हूँ और ये दूसरा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जावा, ठीक है। मैंने ऑर्गेनाइजेशन नाम अपना लिखा और यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ कंटिन्यू। यहाँ पर अब आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है बग़ैर ज़ीरो के, तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे नंबर पे कोड ये सेंड करेंगे और उस कोड को मैं यहाँ पे लिखूँगा तो मैं डायरेक्ट उस वेबसाइट पे पहुँच जाऊँगा। यहाँ पर मुझे कोड रिसीव हो चुका है, तो कोड क्या है मैं देख देता हूँ। 55 14 38 55 14 38 ये कोड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एनोट ऑन क्रेडिट्स, कंटिन्यू, बिल्कुल कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपने करते जाना है, जैसे आपकी मर्ज़ी जिस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब आपने बिल्कुल एंड पे जाना है इसके, और यहाँ पर आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने जो है वो आईडी को देख सकते हैं। यहाँ पर जा मेरा आईडी यहाँ पे, मेरी आईडी यहाँ पे आ चुकी है। अब इस पर मज़ीद आपने काम कैसे करना है, काम करने के लिए आपने सिंपल तरीके से उसी वेबसाइट पे आपने जाना है। तो मैं जाता हूँ उसी वेबसाइट पे, OpenAI.com, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। बिल्कुल नीचे आपने स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ पर नीचे बिल्कुल चैट जीपीटी, ये नीचे आपको नज़र आ रहा है चैट जीपीटी, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस पर क्लिक करने के बाद ये मुझे इस पेज पे डायरेक्ट करेगा
और यहाँ पर अब मैं ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करूँगा। चैट जीपीटी पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप इससे अर्निंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों की वेबसाइट है या आप लोग फाइवर पर काम करते हैं, अपवर्क पर करते हैं, लिंक्डइन पर करते हैं, जिस भी वेबसाइट पे आप काम करते हैं वहाँ पर आपको कोई काम आ जाता है। अगर कोई क्लाइंट आपको कहे कि ये काम कर दे तो उस काम करने के लिए आपने उसी काम को यहाँ पे कॉपी करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने आपको बताया कि मुझे हाउ टू अर्न मनी इस वाले टॉपिक पे मुझे आर्टिकल चाहिए, तो यहाँ पर इसके साथ ये एरो वाला ऑप्शन लगा हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये बहुत ही यूनिक तरीके से आपको यहाँ पर एक आर्टिकल लिख के दे देगा जो यूनिक भी होगा, जिसमें कोई प्लैरिज्म नहीं होगी और ग्रामेटिकली 100% रियल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आर्टिकल आपको देगा तो इसमें जो अल्फाज है, इसमें जो वर्डिंग है वो कम होगी, ठीक है, 200 या 300 तक होगी। तो आपने वर्डिंग को ज़्यादा कैसे करने हैं, यहाँ पर ये जो आर्टिकल सारा लेकर आपने पहले इसको कॉपी करना है और इसको कॉपी करने के बाद आपने ऊपर अपने टॉपिक को जो है वो चेंज करना है। मैं लिखता हूँ पहले आपने ये वाला जो सारा आया है इसको आपने कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद मैं अपने टाइटल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, हाउ टू अर्न मनी ईजीली फ्राम वेबसाइट्स। मैंने चेंज इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर मेरा ऊपर जो आर्टिकल वो वर्डिंग उसमें कम की गई है, ठीक है, उसमें कम वर्ड्स दिए हैं। मैंने नीचे इसलिए दोबारा लिखा था कि मेरी वर्डिंग ज़्यादा हो जाए, वर्ड्स ज़्यादा हो जाए, ताकि मैं इसको अपने वेबसाइट पे लिख सकूँ, डाल सकूँ, ठीक है। अब ये दूसरा भी आपको आर्टिकल जो है वो लिखा लिखाया मिल गया, तो अब ये दोनों आर्टिकल्स आप एक जो कंबाइन करके इसको आप अपलोड कर सकते हैं अपने वेबसाइट पर, अपने ब्लॉगर पर, जहाँ पर भी आप चाहते हैं। और इसके साथ साथ आप कोरा पे जाएं, कोरा भी आपको पैसे देते हैं, ठीक है, कोरा पे जाएं, वहाँ पे लोगों ने क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, उस क्वेश्चन वहाँ से आपने क्वेश्चन उठाना है और यहाँ पर आपने उस क्वेश्चन को लिखना है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि हु इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है, ये मैंने लिखा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मैंने कोरा से मैंने क्वेश्चन उठाया है और यहाँ पर मैंने इसको वो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने टाइप किया, ये मुझे देगा आंसर, और आंसर देने के बाद ये कह इट्स डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन हु इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, ये कहता है कि ये मुश्किल है। आप भी यही जवाब आपने कॉपी करना है और कोरा पे आपने इसको डालना है, ठीक है, कोरा पे आप डाल देंगे तो वहाँ पर भी आपने अपने वेबसाइट का लिंक डालना है। वेबसाइट का लिंक आप साथ में डालेंगे तो आपकी जो है वो लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे आएंगे, आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा होगी। ये तो हो गया एक तरीका, अगर आप का ब्लॉगर है, आपकी वेबसाइट है, तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप चैट जीपीटी को अपने दूसरे पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने डेली लाइफ में आपको कोई मसला आता है, आपको कोई एमसीक्यूज़ आती है, जो कुछ भी आता है, हत्ता कि मैथ के क्वेश्चन भी आप यहाँ पर आसानी के साथ हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी चैट जीपीटी के ऊपर एक सिंपल सी वीडियो। अगर पसंद आपको आई हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर चैनल पर आप पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।